बहती यहीं पे गंग धार अविनाशी है, वेद के निनाद से निनादित प्रसिद्ध देश भारत हमारा, हम भारत के वासी हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आया हूँ आपसे बात करने इस व्यवस्था के बारे में। मेरी उम्र है 80 साल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का से रिटायर हुआ हूँ, IIT बॉम्बे का फर्स्ट बैच का ग्रेजुएट हूँ, एमटेक इंपीरियल कॉलेज लंदन से हूँ। मैं मोदी जी को 10 लेटर रोज लिखता हूँ। मोदी जी, आपको मैडम टुसाउट आई है 1 करोड़ की मूर्ति बनाने। खादी ग्रामोद्योग के सामने जाइए, 5 करोड़ का चरखा बना खड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के ट्रेजरर थे, डोनेशन लेते थे, जैसे लोग अब हैं ऐसे ही पहले थे। उन्होंने कह दिया ये तो बड़े पैसे कमा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मीटिंग बुलाई, बोले भाई पैसे कमा के आदमी क्या करता है, अजी करता क्या है, मकान बनवाता है। मैं वचन देता हूँ मैं कोई मकान नहीं बनवाऊंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मुझे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो। गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बंबई में उनका कोई मकान नहीं है। मोदी जी, उनकी मूर्ति पे आप 6000 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हो? मैं जिस व्यक्ति ने आधे कमरे का मकान नहीं बनवाया, सिर्फ मोदी जी हीन भावना से ग्रस्त है। गुजरात से लोग मेरे पास आए हैं, शर्मा जी ये झूठे कि इन्होंने चाय पिलाई, उस टाइम वो रेलवे स्टेशन ही नहीं था। ये झूठे कि ये ओबीसी है, ये झूठे कि इन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त की। 10 लेटर रोज मोदी जी को लिखता हूँ, मोदी जी कुतुब मीनार के बराबर मोदी मीनार बनवाओ, ताजमहल की तर्ज पे मोदी महल बनवाओ, भारत माता की मूर्ति, भारत माता की मूर्ति बनवाओ माउंट एवरेस्ट पे, हनुमान जी की बनवाओ रामेश्वरम में। देश के पैसे बर्बाद करने हैं तो मुझसे पूछो शर्मा जी से। अब मैं आपको फ्रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ, ये मेरे ही पास है, 6 महीने लगे बनवाने में, मैं आपको सपोर्ट करने आया हूँ।